आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है इफ √y + 1 √y = 2x देन शो दैट इन ब्रैकेट x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय y² + xy1 - 4y = 0। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा। इसको निकालने के लिए पहले हम यहाँ से इसको स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, √y + 1 बाई √y होल स्क्वायर इजिकल टू 4x² राइट साइड पे भी स्क्वायर कर दिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म है यहाँ पर, तो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इसको चेंज करके वैसे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √y - 1 बाई √y होल स्क्वायर प्लस 4ab, मतलब प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 4 आ जाएगा इजिकल टू 4x². अब इस 4 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4 हो जाएगा, तो 4x² -4, तो इसको लिखते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई x² -1। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट लेने से हमें क्या मिलेगा, √y -1 बाई √y इजिकल टू 4 का रूट आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ x² -1। अब यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया हुआ था √y + 1 बाई √y इजिकल टू 2x, इसके साथ इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये प्लस फॉर्म में था 1 बाई √y और यहाँ पे माइनस पे था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 √y आ जाएगा। यहाँ पर 2 √y इजिकल टू दोनों को ऐड कर दिया, इसको ले लिया सेकेंड इक्वेशन और जो हमें दिया हुआ था उसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने क्या किया, 1 + 2 कर दिया फर्स्ट इक्वेशन + सेकेंड इक्वेशन, तो हमें मिला 2 √y इजिकल टू यहाँ पे 2x दिया हुआ था, तो 2x + 2 √ x² -1। अब दोनों तरफ 2 है तो √y इजिकल टू x + √ x² -1। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, हमें y चाहिए था, यहाँ पर स्क्वायर करने से y आएगा x + √ x² -1 होल स्क्वायर, तो ये हमें इक्वेशन आ गया। अब हम dy dx निकालेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसी इक्वेशन को सॉल्व करके dy dx चलाएंगे। तो पहले x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमें पता है y1 जो हमें यहाँ पर दिया हुआ था, y1 एंड y2, इसका वैल्यू क्या होता है, y1 का वैल्यू होता है dy dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का वैल्यू होता है dy dx2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, तो y1 का वैल्यू क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू dy dx, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x + √x² -1, यहाँ पर जो था वही लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा चेन रूल के साथ, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, यहाँ पर रूट जेड है, हमने एज्यूम कर लिया कि x² -1 जेड है, तो 1 + रूट जेड का डिफरेंशिएटेड फॉर्म क्या आएगा, 1 बाई 2 रूट जेड मतलब x² -1। अब x² -1 को जेड दिया था तो उसका चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाइड फॉर्म में 2x आएगा, तो यहाँ से 2 को क्रॉस आउट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई x + x² -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्रॉस आउट हो गया है तो रूट ओवर x² -1, यहाँ पर सीख आएगा रूट ओवर x² -1 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ x प्लस रूट ओवर x² -1 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिला x प्लस रूट ओवर x² -1 होल स्क्वायर बाई रूट ओवर x² -1। अब x प्लस रूट ओवर x² -1 का होल स्क्वायर, ये हमें क्या पता है, y का वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें मिला 2y बाई रूट ओवर x² -1। अब ये इसका वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू यही है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा y1 का स्क्वायर इजिकल टू 4y² इजिकल टू x² -1। अब x² -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x² -1 मल्टीप्लाइड बाई y1 स्क्वायर, इस स्क्वायर को ठीक से लिख लेते हैं, x² -1 मल्टीप्लाइड बाई y1 स्क्वायर इजिकल टू 4y². अब दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो चेन रूल अप्लाई होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम रखेंगे और वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू वाई वन। अब वाई वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें वाई टू मिलेगा। अब वाई वन स्क्वायर को रखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वन को डेरिवेटिव करेंगे तो हमें टू एक्स मिलेगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में। इधर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एट वाई, और वाई को रिस्पेक्ट वाई को एक्सपेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वाई वन आएगा। अब ये दोनों, ये जो इक्वेशन है दोनों तरफ से हम टू वाई वन को निकालेंगे, टू वाई वन को ऑमिट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू वाई वन नहीं रहेगा तो वाई टू रहेगा सिर्फ, वाई टू प्लस टू वाई वन को लेंगे तो एक वाई वन रह जाएगा और एक्स रह जाएगा तो एक्स वाई वन, और यहाँ से टू वाई वन को ले लेंगे तो यहाँ पर फोर वाई आ जाएगा, फोर वाई इधर माइनस के फॉर्म में आएगा तो माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। यही इक्वेशन हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था यहाँ पर, तो हमने प्रूफ कर दिया वो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।